ही दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर घूम रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तिब्बत आज़ाद होगा। हालांकि तिब्बत का नाम सुनते ही कई सवाल है जो लोगों के मन में अक्सर आते हैं, जैसे कि क्या तिब्बत चीन का हिस्सा है, चीन के नियंत्रण में आने से पहले तिब्बत कैसा था और इसके बाद क्या बदल गया, तिब्बत जैसी महत्वपूर्ण जगह को आखिर भारत ने क्यों गंवा दिया, वो भी उस तिब्बत को जिसे संसार की छत कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, रंगदे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। अब तक तिब्बत को लेकर जो भी सवाल थे वो तो थे ही, लेकिन अब एक नया सवाल विश्व भर में खड़ा हो रहा है और सवाल ये है कि क्या अब तिब्बत चीन के चंगुल से आज़ाद होने जा रहा है, क्योंकि तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख और राष्ट्रपति डॉक्टर लोबसांग सांगे पहली बार औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पहुँचे। तिब्बती सरकार के किसी नेता का 6 दशक में इस तरह का ये पहला ऐतिहासिक दौरा है। इसका कारण इतना था कि अभी तक अमेरिका तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता नहीं देता था, लेकिन पिछले दिनों अमेरिकी संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता को मान्यता प्रदान की। दलाई लामा को वैश्विक शांति दूत कह और लोबसांग को नेता मान लिया। बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब तिब्बत चीन के अधीन है तो लोबसांग सांगे कौन है और वह वहाँ का राष्ट्रपति कैसे हैं। असल में लोबसांग सांगे तिब्बत की निर्वासित सरकार का अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। साल 2011 में लोबसांग ने यह पद संभाला था। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 10 साल से अमेरिकी अफसर उनसे गुप्त मुलाकातें करते रहे, लेकिन इस बार अमेरिका ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए उनका सीधे व्हाइट हाउस में स्वागत किया। कुल मिलाकर ये चाइना की नज़रों में अमेरिका द्वारा वन चाइना पॉलिसी पर हथौड़ा है। इस डर के कारण चाइना पिछले काफ़ी महीनों से लद्दाख में पैर जमाए बैठा है। चीन को डर है कि कहीं वो इधर उधर जाए, इधर भारत की सेना तिब्बत में उसके द्वारा सताए गए तिब्बती लोगों के साथ मिलकर तिब्बत की आज़ादी का जश्न ना बना बैठे। क्योंकि पिछले दिनों समाचार पत्र राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जो तिब्बत के अंदर चीनी सेना द्वारा जो दमन चक्र चला जा रहा है, चीन तिब्बत के अंदर सेना के प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण कर रहा है और बड़ी संख्या में तिब्बती लोगों को वहां से हटाकर चीनी लोगों को बसा जा रहा है। इसी कारण जिनेवा में चीन के इस दमन चक्र को लेकर कुछ दिन पहले तिब्बती लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। हाँ, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इतिहास के अलग अलग कालखंडों में तिब्बत विभिन्न विदेशी शक्तियों के प्रभाव में रहा। कभी मंगोलों, नेपाल के गोरखाओं, चीन के मंचू राजवंश और भारत पर राज करने वाले ब्रितानी शासक, सभी की तिब्बत के इतिहास में कुछ न कुछ भूमिका रही है। लेकिन इतिहास के दूसरे कालखंडों में एक तिब्बत वो भी था जिसने चीन पर विजय हासिल की थी और लंबे समय तक चीन पर शासन किया। भारत की स्वतंत्रता के समय तिब्बत भी एक स्वतंत्र राज्य था। भारत की कोई भी सीमा मुश्किल से चीन के साथ नहीं मिलती थी, लेकिन आज चीन जिस जमीन के जरिए भारत में घुसपैठ करता है वह तो उसकी है नहीं। अगर 1959 के विस्तारवादी चीन ने 1962 में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित खूबसूरत तिब्बत पर गैरकानूनी कब्जा ना किया होता तो आज भारत और चीन के बीच कोई सीमा विवाद ही नहीं होता। भारत और चीन के बीच आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लेकर लद्दाख तक जितने भी सीमा विवाद है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि तिब्बत पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और तिब्बत की कानूनी सरकार पिछले 6 दशकों से भी ज़्यादा वक्त से भारत में निर्वासितों का जीवन बिता रही है। सच्चाई ये भी है कि भारत और चीन के बीच ऐसी कोई सीमा है ही नहीं जिसे लेकर दोनों देशों में ऐसा कोई विवाद हो। सीमा तो भारत और तिब्बत के बीच की है जो आज की नहीं हजारों वर्षों पुरानी है। अगर संपूर्ण तिब्बत को चीन से छुटकारा मिल जाए तो चीनी लोग तो साउथ चाइना सी से होते हुए हिंद महासागर को पार करके भारत के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक विवाद हमारे सामने है। एक तो साल 2003 के जून महीने में भारत ने ही आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। उस समय चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन हुआ करते थे। उनके साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग मान लिया था। हालांकि तब ये कहा गया था कि यह मान्यता परोक्ष है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर उस समय देखा गया था। वाजपेयी जियांग जेमिन की वार्ता के बाद चीन ने भी भारत के साथ सिक्किम के रास्ते व्यापार करने की शर्त मान ली थी। तब इस कदम को यूं देखा गया था कि चीन ने भी सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने उस वक्त ये कहा था कि भारत ने पूरे तिब्बत को मान्यता नहीं दी है जो कि चीन का एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि भारत ने उस हिस्से को मान्यता दी है जिसे स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र माना जाता है। 1959 में तिब्बत पर चीन के आक्रमण के चलते शुरू हुई समस्या सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट लोबसांग सांगे भी अब वही बात दोहरा रहे हैं जो उनके आध्यात्मिक गुरु
और पूर्व शासकीय प्रमुख दलाई लामा पिछले 60 वर्षों से ज्यादा समय से कहते आए हैं। सांगे ने हाल ही में भारत चीन तनाव को लेकर कई इंटरव्यू दिए। ईटी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत ने कभी भी चीन के साथ सीमा साझा नहीं की। ये तो भारत और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत ने तो हजारों वर्षों से ज्यादा वक्त तक बफर के रूप में भारत और चीन के बीच शांति के क्षेत्र के रूप में काम किया है। 1950 के दशक में तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद यह स्थिति बदल गई। तिब्बत के प्रशासनिक प्रमुख ने बिना साफ शब्दों में कहे जो इशारा कर दिया है एकमात्र यही है कि अब भारत को तिब्बत की मुक्ति का आंदोलन छेड़ना ही चीन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एकमात्र जरिया बचा है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी मानसिकता के रहते उसके साथ कभी न कभी तो LAC पर निपटारा होना ही है और ना ही कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। अगर भारत को चीन की दगाबाजी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो युद्ध नहीं, अब तिब्बत की आज़ादी का अभियान शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि तिब्बत की आज़ादी से ही भारत की भलाई है। दलाई लामा खुद को भारत माता का बेटा कहता है। तिब्बत के लोग भी चाहते हैं कि भारत को अब तिब्बत के प्रति अपने कूटनीतिक नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है, जिससे दोनों देशों का कल्याण छिपा है, यानी युद्ध नहीं तिब्बत की आज़ादी का अभियान चला जाना चाहिए।